मेरे पिता एक माली हैं। हर 2 हफ्तों में वो एक बार उस बंद हवेली पे जाते थे और उसके बगीचे का काम करते थे। लोगों को लगता था मेरे डैड पे भूत का साया है। कुछ लोग तो ये कहते थे कि वो साइको किलर है। और वो पागल हो गए हैं उस गार्डन पे। जंगली फूलों की खुशबू बहुत ज्यादा आती थी। अजीब बात तो ये है, जितना वो ध्यान रखते थे बगीचे का, उतने ही ज्यादा जंगली फूल खिल जाते थे जो कब्रिस्तान पे पाए जाते हैं। सात साल बाद, मेरे कॉलेज जाने के बाद, मुझे वो जंगली फूल की खुशबू उस गार्डन से आने लगी। रिजर्वेशन हो गई। हमारी ट्रेन टिकट्स बुक हो चुकी है। इस हफ्ते की स्केचिंग ट्रिप की लोकेशन है वॉटरवुड पार्क, और आपके लिए हमने अरेंज की है डिनर पार्टी। ये पार्टी है आपकी मेरी तरफ से। ये लोग सिर्फ जगह पर ही दिलचस्प क्यों लेते हैं? इस हफ्ते हम वाटर सैंड बॉटनिकल गार्डन जा रहे हैं। ये ट्रिप सिर्फ ऑफिशियल मेंबर्स के लिए है जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया है। तुम तो क्लास अटेंड करते भी नहीं हो, बस घूमते रहते हो। तुम अपने आप को समझते क्या हो? पूरा मूड खराब कर दिया इस आदमी ने। हे, ऐसा मत कहो। हम इसे अपने ग्रुप में शामिल कर सकते हैं एक शर्त में। हम उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। बोलो, शर्त मानोगे? तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट है। कोई अच्छी सी एक तस्वीर बना दो। अगर नहीं कर पाए तो कोई सिलेंडर बना लेना। हाँ, तुम अभी किसी से कुछ बनवा नहीं सकते। नेक्स्ट टाइम ड्रॉ कर लेना। तुम कौन सी तस्वीर बनवाना चाहते हो? क्या कप्पा फेनस? क्या यही है वो नया लड़का? कितना अजीब है ना, ये हमेशा अकेला रहना ही पसंद करता है। मैंने इसे कभी क्लास में नहीं देखा, पर इसे हमेशा ए मिलता है। लेकिन इसे ए प्लस कैसे मिला? मुझे तो बिल्कुल नालायक लग रहा है। क्या राज है इसका? तुमने कितनी अजीब तस्वीर बनाई है। ये बहुत ही डरावनी है। ओह, ही इज सो हॉरिबल। ये बहुत भयंकर है। सब कहते हैं कि इसके ब्रेकअप के बाद से ये ऐसा हो गया है। कैसा अजीब है।
अब तो खुश हो? अब परेशान मत करना। तुम समझते क्या अपने आप को? इसने जब देव को बनाया इसने ठीक से देखा तक नहीं, बस ये अंदाजे से सही बनाता जा रहा था, वो भी कम टाइम में। ये बहुत अच्छी है, अब तुम हमारे क्लब के मेंबर हो। ऐसे क्या देख रहे हो? ओ, तो ये नया मेंबर है। तुमसे मिलकर खुशी हुई। सब लोग इनसे मिलिए। यह है वेस्टर्न पेंटिंग एक्सपर्ट आर्ट यूनिवर्सिटी प्रिंस ली कैंगवू। वैसे कैंगवू, इसकी चिंता मत करना, ये बच्चा है। इसे गले लगा कर सोना बहुत अच्छा लगता है, हम इसे खरीदें? इसका कितना है? ये 3,000 का। छोड़ो इसे, ये हमारे हफ्ते भर के खाने से भी महंगा है। तो चुरा लेते? क्या? भागो! ये लो, अब तुम सो सकते हो इसके साथ अच्छे से। ये कैंगू, क्या तुम पागल हो गए हो? किसने कहा तुम्हें चुराने के लिए? नहीं, अगर मैं $10 से ज्यादा लाता तो तुम नहीं लेते। मिस नेबर गोस्ट, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो। ले लो। अच्छा लगा? बहुत। चलिए आप दोनों को मैं छोड़ देता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम बस ले लेंगे। चलो चलते। पैकिंग हो गई है, अब हम चलें? कैंगवू से ब्रेकअप कर लो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये तो क्या कह रहे हो? जल्दी छोड़ दो कैंगवू को, वरना मारी जाओगी। अभी तुमसे मिलकर कौन गया? हैंसुम गयो? हाँ, उसने मुझे उसकी पेंटिंग दिखाई। ओ। बस हो गया, चलो यहाँ से चलते हैं। अरे दिखाओ तो वो क्या? अब हम
जाएंगे डिनर पार्टी के लिए। एक बात कहूँ, जब से मैं स्कूल में आई हूँ ना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कैंगू, तुम ना मुझे किसी बाजी की तरह लगते हो। तुम क्या बकवास कर रही हो, सिर्फ पियो ना। मुझे कहने दो ना, सच बोल रही हूँ, कैंगू बहुत गुड लुकिंग है और बहुत ही हीरो की तरह दिखते हो तुम, पर कोई भी नहीं जानता है कि इस बाजी को तो वोना ही जीतेगी। एक बात बताओ, तुमने वोना में क्या देखा? शायद तुम्हें भूख लगी है। तुम इतना क्यों बड़बड़ा रही हो? खाना खाओ जिसकी तुम्हें जरूरत है। ये लो खाओ 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 जल्दी। नहीं करो ना ऐसे। सुनो, ये बताओ तुम्हें कैंगू में क्या अच्छा लगता है? आखिर उसमें ऐसा है ही क्या? हाँ, तुम आए हो तब से ज्यादा ही उछल रहे हो। ए, क्या तुम बस लड़कियों का पीछा करते हो और उनके बारे में बोलते रहते हो? चुप रहो यार, तुम क्यों इतने भावुक हो रहे हो? इतना हाँ? क्यों गुस्सा हो रहे हो? तुम जाओ भाड़ में, इसकी तो क्या करेगा तू? बस करो, हाथ धो गई। पता नहीं क्यों, पर मुझे इतना पता है, हम दोनों प्यार में हैं और पूरी जिंदगी साथ बिताना चाहते हैं। क्या बात है, ये तो सरप्राइज हो गया। तुम लोग शादी करना चाहते हो? क्या तुम्हारी मॉम को पता है? हेलो, कहाँ हो? मैं अभी कंपनी में हूँ, कंपनी के सारे ऑपरेशंस अभी जान रहा हूँ। क्या बेकार कंपनी है, आज तुम्हारा बर्थडे और आज तुम काम कर रहे हो? मुझे पता है, पर पता नहीं किसकी कंपनी है। क्या ये लोग तुमसे काम करवाएंगे? अगर मैं तुम्हें लेने आऊँ तब भी नहीं आओगे? ओह, सियोंगवान। मेरा बच्चा। मम्मी, क्या हम घर मिल सकते हैं? मेरा इंतजार करना। हाँ, क्यों नहीं। चलो चलो। Congratulations. क्या मैं बहुत सेल्फिश माँ हूँ बेटे? क्या? जब तुम फिफ्थ स्टैंडर्ड में थे तो एक बार मैं तुम्हारी आंट से बात कर रही थी कि कितनी मुश्किल से तुम्हारा जन्म हुआ था। ये बात सुनने के बाद तुमने अचानक यही बोला था, मॉम आई एम सॉरी, आज से मेरे सारे बर्थडे आप कहोगे वैसे मनाऊंगा। नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारा बर्थडे तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ मनाऊंगी। अब तुम बड़े हो गए हो, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा एंजॉय करोगे। मॉम, ये सब मैं 30 के बाद करूंगा।
लड़की शायद उदास हो गई। आपको पता है उसके बारे में? मेरा बेटा इतना हैंडसम है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड तो होगी ही ना। तुम उसे घर क्यों नहीं ले आते? इस गिफ्ट को तुम ऐसे क्यों देख रही हो? क्या इसमें कुछ गड़बड़ है? किचन, चलो पीते हैं। तुम और कैंग वो एक साल से डेटिंग कर रहे हैं, क्या तुम उसके फैमिली के बारे में कुछ जानती हो? मैं जानती हूँ उसकी मॉम को। कोरिया की सबसे बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी की ओनर है उसकी मॉम, और कैंगवो के डैड के गुजरने के बाद उसका ध्यान अकेले उन्होंने ही रखा है और कंपनी भी चला रही हैं। फिर तो उसका तुम्हें पसंद करना नामुमकिन है जहाँ तक मैं जानती हूँ। मेरा ये मतलब नहीं था। कोई बात नहीं, मैं सब समझती हूँ। मेरी मॉम भी अकेली है, मुझे पता है वो कैसा फील करती होंगी। से घर क्यों नहीं ले आते? मैं जल्दी आ जाऊंगा, एक ही घंटे में। मॉम उठने से पहले मैं वापस आ जाऊंगा। अब क्या करें, वो तो पहले से ही जागी हुई है। वो मेरा इंतजार कर रही है, मैं आता हूँ जाके। नहीं बेटा, आज तो कम से कम आराम कर लो। नहीं, मुझे जाना पड़ेगा। कैंगवो, तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? मॉम, तुम्हारी बीमारी से इसका कोई लेना देना नहीं है। मेरे 7 ऑपरेशन हो चुके हैं, मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है, एक परफेक्ट लाइफ देने के लिए। तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया कैंगवू, मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। तुम्हें गर्लफ्रेंड्स हजारों मिल जाएंगी बेटा, लेकिन माँ सिर्फ एक ही है। मॉम, मुझे आपके और वोना के बीच में चूज नहीं करना है। आप दोनों ही इस पूरी की पूरी दुनिया में मुझे सबसे प्यारे हो। तुमने कहा हम दोनों? ठीक है बेटा, शोक सभा की तैयारी करो।
यहाँ क्यों आए हो? हम कल वैसे भी स्कूल में मिलने वाले हैं ना? मैं यहाँ मेरे बर्थडे प्रेजेंट के लिए आया हूँ। मैं उसे लाना भूल गई। मैं तुम्हें बहुत मिस किया, तुम ही हो मेरे लिए मेरा रियल प्रेजेंट, सच में। ये पहन लो। तुम्हारे नाम की तरह ही यह भी एक ब्यूटीफुल मून है। तुम हमेशा मेरे नजदीक हो मुझे खुशी देने के लिए। थैंक यू। चलो साथ रहते हैं हमेशा के लिए। मैं हमेशा तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। करो सही प्रस्ताव अपनी पूरी जिंदगी में बिना कोई गलती किए हुए। हाँ। समझे? कैंगबू, आज तुम ना बिल्कुल प्रिंस की तरह लग रहे हो। वो ना अभी तक क्यों नहीं आई? उसे 5 बजे आना था। आप जिसे संपर्क करना चाह रहे हैं उनका फोन स्विच ऑफ। वो ना का फोन ऑफ आ रहा है। लास्ट में उसे किसको कांटेक्ट किया था? अरे बेवकूफ, कहाँ चल रहे हो? देखो तो सही, हटो वहां से। वो ना अब नहीं रही। तुम ये क्या बोल रहे हो? छोड़ो, तुमने ऐसे क्यों कहा? वो ना की मॉम ने मैसेज भेजा है। पुलिस ने कहा है वो ना कार एक्सीडेंट में मारी गई है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। ये उसके कपड़े हैं जो उसने आखिरी वक्त में पहने थे। Ha ha ha!
वाला। ये कार एक्सीडेंट नहीं हो सकता। देखो उसके कपड़ों को देखो, एक्सीडेंट में ऐसा कैसे कैसे हो सकता है ये? मेरी बेटी मदद के लिए रो रही थी। जिंजू है, मैं इस क्लास की नई स्टूडेंट हूँ। वो ना ये तो वो ना है ना? नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, वो तो मर चुकी है। रुको, ये तुम्हारी वो ना नहीं हो सकती। वो ना नहीं है वो? हमने उसका आईडी और फैमिली फोटोज चेक किया है, वो तुम्हारी वो ना नहीं है, सिर्फ वैसी दिखती है। विश्वास करो मुझ पर, ये उसकी नोटबुक में मिला था। वो बिल्कुल उसकी तरह दिखती है, पर वो कोई और है। ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? कैंगवो, क्या तुम ठीक हो? कैंगवो, नॉक नॉक, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? वैसे भी मैं आधी अंदर तो आ चुकी हूँ। सूजी ने बिल्कुल ठीक कहा था, ये कोई भूत नहीं है, पर ये बहुत ही डरावनी बात है। आ जाओ, अंदर आ जाओ। मुझे लगता है तुमने कभी पेंटिंग नहीं सीखी। मैं जानती हूँ ये बेकार है, लेकिन मैंने कभी ड्रॉ करना नहीं सीखा है, इसलिए मुझे दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करना पड़ा, इसलिए मैं यहाँ हूँ। सो क्या आप मुझे अपने ग्रुप में ले सकते हैं? लेकिन ये समझ नहीं आया कि तुमने अपना ट्रांसफर न्यूट्रिशन आर्ट से वेस्टर्न आर्ट में क्यों लिया? मेरे डैड का एक छोटा सा रेस्टोरेंट था कनाडा में, सो न्यूट्रिशन वेस्टर्न ये सब मेरे डैड के वजह से है। और हाँ, मुझे पेंट की खुशबू बहुत पसंद है। कैंगवो, मुझे पेंट की खुशबू बहुत पसंद है, सच में।
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो ना, वो ना, वो ना मर गई है, वो ना मर गई है। वो सिर्फ वोना के बारे में ही सोच रहा है। वो उसी की तरह दिखती है, इसलिए वो उसे बार बार याद कर कर परेशान है और कंफ्यूज भी। वो मर गई, मर गई है, वो मर गई है। उठो, उठो। अपने आप को दोष मत दो। हो सकता है वो हमारे लिए तोहफा हो, हमें वोन्हा को गुड बाय कहने का ठीक तरीके से हमें चांस भी नहीं मिला था। वो लड़की हमारे लिए स्वर्ग से तोहफा थी। क्या करूं मैं? ड्राइंग तुमने बनाई है? हेलो, तुम्हें मैंने पिछली बार क्लब में देखा था। तुम आर्ट मेजर के प्रेसिडेंट हो ना? तुम्हें मुझे पैसे देने चाहिए अपनी मॉडल बनाने के लिए। ये मेरी बकेट है। हेलो, हम एक क्लास में हैं। मैं सैंग मोना हूँ। मैं तुम्हारे बगल में बैठकर 3 हफ्ते से इसे यूज कर रही हूँ। तुमने नोटिस नहीं किया? कल क्लास के बाद तुम्हारे पास टाइम है क्या? तुमने कहा मॉडलिंग फीस चाहिए तुम्हें, तो कल साथ में खाना खा सकते हैं। गड़बड़ है। क्या हुआ, क्या बात है? जिस म्यूजियम में जाने के लिए हम प्लान कर रहे थे वो आज बंद है। हाँ, अब हम क्या करें? तस्वीर बनाने वाली ट्रिप, हम तो वहाँ पर बहुत मजे करने वाले थे और रात भी रुकने वाले थे। ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। अब हम सोने के लिए जगह कैसे ढूंढेंगे? ये तो परेशानी की बात है। तुम्हारे पास तो वो समर हाउस भी है ना? तुम वहाँ पहले रहते थे पर अब वो बिल्कुल खाली है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया प्लान है। अब तो वहाँ कोई रहता भी नहीं है तो हम वहाँ कुछ भी कर सकते हैं। हमें कोई रोकेगा भी नहीं, है ना? ठीक है। कितना मजा आने वाला है। वो अभी तक क्यों नहीं आई? वो देखो आ रही, जल्दी आओ ना। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गई। सब लोग आ गए ना? 6 लोग टोटल। ओके, चलते हैं। नहीं, एक और इंसान भी बाकी है। हुँ?
ये तो बहुत ही डरावना लग रहा है। हाँ, वैसे ये घर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हमें यहाँ पेंटिंग करने में बहुत मजा आएगा। क्यों? चलो चलो सब लोग जल्दी चलो चलो। पेंटिंग्स को देखना बंद करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अंधेरा होने से पहले एक अच्छी जगह ढूंढो और अपनी पेंटिंग वहीं फिनिश करना। आप सभी लोग 2 घंटे में वापस यहाँ आना, ठीक है? ठीक है, बाय। रुको रुको, हम साथ में जाते हैं। पहले मुझे जाके पेंटिंग बनानी है और ये मुझे खुद अकेले करना है। वो स्टोरेज रूम है, बाथरूम 2nd फ्लोर पे है, लेफ्ट साइड में। इसको ज्यादा समझ आ रही है, ऐसा बता रहा है जैसे ये उसका घर है।
मॉम, मुझे आपके और वोना के बीच में चूज नहीं करना है। आप दोनों ही मुझे इस पूरी की पूरी दुनिया में मुझे सबसे प्यारे हो। हम अपनी सारी जिंदगी साथ गुजारेंगे। कैसा है ये तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। करो सही प्रस्ताव अपनी पूरी जिंदगी में बिना कोई गलती किए हुए, समझे? वो ना अब नहीं रही। होला होला होला। ये वोना है ना? ऐसे नहीं हो सकता, वो तो मर चुकी है। ये तुम्हारी वोना नहीं हो सकती। वैसे ये घर बहुत इंटरेस्टिंग है, हमें यहाँ पेंटिंग करने में बहुत मजा आएगा। ओह, कितना सुंदर है। तुम क्या बोल रही हो, ये तो बहुत ही डरावना लग रहा है। तुम्हें कुछ महसूस हुआ था क्या? वो ना, अंदर चलो। कह सकते हैं हम सब ने यहाँ कुछ महसूस किया है। पता है आज की रात पूर्णमासी की रात है। यहाँ सब कुछ बहुत डराना है। इन सब का क्या मतलब है? लाइट चली जाना, अंधेरे में वो भी। मुझे घर जाना है। हाँ, मगर हम यहाँ पर ट्रेन से आए हैं और यहाँ पर कोई कार भी नहीं है जो हमें स्टेशन छोड़े। बाहर अंधेरा भी है, बताओ कैसे जाएंगे? यानी इसका मतलब बहुत सही थी, वो ना मरी नहीं थी, उसे मारा गया था और ये सारी चीजें करके वो हमें संपर्क कर रही है। चुप हो जाओ। तुम्हें अचानक क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? जुए,
उसे किसी ने देखा? कैंगू भी दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है यहाँ कोई है। जुए, जिन जुए कहाँ हो तुम? कैंगू, तुम मुझसे डर क्यों रहे हो? कल रात जो कुछ हुआ उस वजह से? या जो उस रात हुआ उस वजह से? मैं जाकर जुए और कैंगू को ढूंढता हूं। मैंने गार्डन में किसी अजनबी को देखा था। ये कौन कर रहा है यहाँ पे? क्या सच में बोल रहा कि भूत है हमारे साथ? ये सब तुम्हारी गलती है। तुम लोग मुझे यहाँ लेकर आए थे, मुझे यहाँ से जाना है। सच है, बताओ मुझे। रुको, मैंने तुम्हें यहाँ आने की परमिशन कभी नहीं दी। तुम लोगों में तमीज नहीं है क्या? इतना शोर क्यों मचाते हो? कैंगू, क्या हुआ तुम्हें? उठो। मॉम खतरे में है। कैंगू रुको, कहाँ जा रहे हो? कैंगू, हमारे साथ रहो, तुम्हें क्या हो गया है? जुए किधर है? सिरंगेल पागल हो गया है, वो चाकू लेकर बाहर भागा है। चलो। जुए, क्या करूं मैं? मालिक, यहाँ बहुत खतरा है, इनसे कह दो जाएं यहाँ से। आपकी माँ को आपकी चिंता हो रही होगी। मैं अब यहाँ और नहीं रुकना चाहती। पर तुम कहाँ जाओगी? अभी चांद भी गायब होने वाला है, ऐसे में तुम्हारा जाना खतरनाक होगा। यहाँ पर आए हैं, कुछ ना कुछ हो ही रहा है। सियोंगिल पागल हो चुका है और कैंगू भी पूरा के पूरा बदल चुका है। यूनी, हमें यहाँ से जल्दी भागना होगा। तुम लोग कहाँ जा रही हो? चलो, 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 चलो
बातों से पागल हो गए हैं। क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? नहीं, किसी पे भरोसा मत करो। मैं जा रही हूँ पुलिस स्टेशन ढूंढने। लेकिन तुम पर भरोसा है। हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा के लिए। लेकिन तुम्हारी मां का क्या? तुमने उनसे परमिशन ली है? नहीं, भाग जाते हैं, कहीं भी भाग जाएंगे। मैं सब तैयारी कर लूंगा। नहीं, मैं ये नहीं चाहती। अपनी माँ के लिए मैं ही सब कुछ हूँ। अगर मैं चली गई तो मेरी माँ अकेली क्या करेगी? कैंगफू, तुम्हारी माँ का क्या? अगर तुम दूर चले गए तो उन्हें बहुत दुख होगा। क्या ये तुम्हें अच्छा लगेगा? और वैसे भी तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए सब कुछ है, तुम्हारे लिए पूरा जहान है। और तुम अपनी माँ से दूर भाग जाना चाहते हो। मैं ये नहीं कर सकती। तुम्हें अपनी माँ से इजाजत लेनी होगी, नहीं तो मेरी मॉम, उनकी सोच इस जिंदगी में तो कभी नहीं बदलेगी। रिश्ता तोड़ देते हैं हम। तुम्हें ब्रेकअप करना है? मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ सकता वो ना। तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? कौन सा सरप्राइज दे रहे हो? ये जगह मुझे मेरे बचपन की याद दिलाती है, यादें जो मैं कभी भुला नहीं सकता, कभी भी नहीं। यादों से भरी हुई जगह? अगर मैं हाँ कह दूँ तो ये जगह यादों से भर जाएगी और हम यहाँ नई यादें बनाएंगे। एक सरप्राइज प्रपोजल है। अभी चलते हैं? चलो।
कैंगू, मैं तैयार हूँ। तुम खुश थे? ये मेरी बकेट है। क्या जो तुमने मुझे कहा था, मेरे पैसे भेजना मत भूलना। मोना, मुझे मुझे माफ कर दो। कैंगू, मत रो, मेरे बच्चे, माँ सब संभाल लेगी। मैं तुम्हें सबसे खूबसूरत दुनिया में ले जाऊंगी। चलो। Oh, my God.
रोना मत, मम्मी है ना, सब संभाल लेंगी। ये सिर्फ खिलौने हैं, सस्ते और घटिया खिलौने, इन्हें दूर फेंक दो। हट जाओ यहाँ से, दूर चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, दबा जाओ, दबा जाओ यहाँ से। मेरा बच्चा, मॉम, मॉम उठिए, मॉम उठिए, मॉम, मॉम इसे दफनाने का काम तुम ही करो, मैं नहीं कर सकता। वोना, 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 तुम अभी जिंदा हो ना? सॉरी सॉरी वोना, कैन वो इसे जमीन में दफना दो। नहीं मॉम, नहीं। तुम्हारी माँ तुम्हारी मदद करेंगी, मुझे दो। नहीं, नहीं, नहीं। मुझे दो कैंगू, बी अ गुड बॉय। नहीं, ये मेरा फेवरेट है। फेवरेट? माँ से भी ज्यादा? मुझे दो अभी। नहीं, नहीं, मुझे इसी वक्त दो। नहीं, 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 ये खिलौना मुझे दो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। नहीं, ये मेरा फेवरेट है। नहीं, I'm sorry। नहीं, नहीं। इसे अभी इसी वक्त दफना दो। समझ में नहीं आ रहा है? अभी मैं आपको कभी नहीं छोड़ सकता।
अच्छा बच्चा, चलो अब अंदर चले। Kangboo, I love you. हम दोनों खुश रहेंगे। चली जाओ। संगजुन, सब कुछ खत्म हो गया। Thank you.
मुल्हा। चाहिए माँ, मेरा अंतिम संस्कार करवा दो। हाय, मेरा नाम जिन जैन हूँ है और मैं स्कूल की नई स्टूडेंट हूँ। ओह, क्या ये मैं हूँ? मैंने पिछली बार तुम्हें क्लब में देखा था, तुम वेस्टर्न आर्ट मेजर के प्रेसिडेंट हो ना? ओह, बहुत खूबसूरत है, तुम्हें मुझे पैसे देने चाहिए। वैसे पिछली बार तुमने कहा था ना कि तुम्हारे पास एक समर हाउस है जो अब बिल्कुल खाली है। वाना, मैं क्या करूं? यूनी, हमें यहां से जल्दी भागना होगा। चलो चलो यहां से। तुम्हें यही बदला चाहिए था? तुम इस समय जितना ये करोगी उतना ही बुरा होता जाएगा। तुम बदले की बातें भूल जाओ। जब मैं कैंगू के खूनी हाथों से मरी थी तब मैं अंदर से पहले ही मर चुकी थी। सब खत्म हो गया है, चलो चलते हैं यहां से। रो क्यों रही हो? खुद को संभालो, चलो अब चलते हैं। क्या ये अब खत्म हो गया? क्या तुम सबको मजा आई? मुझे लगता है ये सब एक इंसान की मौत के साथ खत्म होगा, और वो इंसान कौन है तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। मैंने सही कहा ना? मैं पहले ही समझ गया था। नहीं नहीं, मुझे लगता है ये सब खत्म हो जाएगा एक और इंसान के मौत के बाद। मालिक, पापा पापा आंखें खोलो। पापा, क्या आप उस घर में जाना छोड़ सकते हैं? प्लीज पापा, सब लोग समझते हैं कि आप पागल हो गए हो क्योंकि आप उस घर में जाते हो। पापा, तुम्हें पता है लोग कहते हैं मैं कुछ अलग सा हूँ। लोगों को सोचने दो क्या जाता है। <laughs>
मुझे कुछ काम है, तब तक तुम यहाँ जो पौधे हैं उनकी काट छांट कर दो, ठीक है? क्या नया माली तुम्हारा पापा है? तो बोलता क्यों नहीं है? हाँ क्यों? अच्छा वो बदतमीज, वो तुम्हारा पापा है? कितना बदतमीज है। क्या क्या कहा तुमने अभी? हाँ तुम यहाँ क्या छुपा रहे हो बताओ मुझे, ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं इसे मार नहीं रहा हूँ। मेरी माँ मुझसे वो सब कुछ ले लेती है जो मुझे चाहिए, तो इससे पहले वो मुझसे ले ले मैं यहाँ आके सब चीजों को गाड़ देता हूँ, तो मेरी माँ मुझसे ये वापस नहीं ले पाएगी, कभी नहीं ले पाएगी। कभी तुम वापस नहीं। ये क्लेमेंटाइन वाला गाना है ना? एक गुफा में, एक कैनन में, एक खदान के लिए एक 49 वर्षीय खनिक रहता था और उसकी बेटी भी थी। कैंगू लेकिन तुम ये गाना क्यों गा रहे थे? पता नहीं, एक बार लड़का बस अपने अकेलेपन का सामना कर ले। लड़के ने एक ऐसी घटना देखी जो वो न देखता तो ही बेहतर होता। कैंगवू जब स्कूल नहीं जाना चाहता था, एक डब्बा था जो खून से हमेशा भरा था, जिसमें एक मरा हुआ पिल्ला था। जब कैंगवू अपने डॉगी के साथ समय बिताना चाहता था, तब उसके पास एक डब्बा था जिसमें डॉगी की लाश थी। जब लड़के के पापा एक कार हादसे में मरे थे, एक बहुत बड़ा सा बैग था जिसमें एक बड़ा आदमी आ सकता था, और वो बैग बगीचे में गड़ा हुआ था। उसमें कैंगू के खिलौने, एक टेनिस की गेंद, सारी उसकी पसंद की चीजें, सब कुछ उस बैग में गड़ा हुआ था। हर बार जब पापा कमरे से बाहर आते थे, कैंगू उस बगीचे को देखा करते थे जो सामने से तो बहुत खूबसूरत था लेकिन उसमें कई राज दफन थे। उसकी माँ नहीं चाहती थी कि वो किसी और के साथ रहे, इसीलिए उसकी सारी पसंदीदा चीजें उससे दूर कर देती थी। अब मेरे पापा को
इस हवेली में कभी नहीं आना पड़ेगा। वो सही सलामत बच गए और इस हवेली के सारे राज हवेली में ही दफन हो गए। हम बहुत खुश नसीब हैं जो बच गए, वरना ये हवेली सबको निगल जाती। हो सकता है कि वो दोनों कहीं अब एक साथ होंगे, जहां ना हमारी पहुंच होगी और ना उसकी मां की। अब वो शांति से साथ रह सकते हैं, उन्हें किसी का डर नहीं होगा।